सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल टिप्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मुख्तार आराम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जिसका नाम है टेक्निकल टिप्स। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताने वाला हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल या अपनी वेबसाइट के लिए सुंदर और बढ़िया लोगो कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसा ऐप बताऊंगा जिसमें आप फ्री में बहुत ही बढ़िया लोगो बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल का प्ले स्टोर ओपन कर लेना है। और फ्रेंड्स, आपको इसमें लिखना है लोगो मेकर। तो चलिए हम लिखते हैं इसमें लोगो मेकर, LOGO लोगो MAKER लोगो मेकर और एंड। तो फ्रेंड्स, आपको फ्रंट पर दिख रहा होगा लोगो मेकर एंड लोगो क्रिएटर। फ्रेंड्स, हमें इस पर क्लिक करना है। हम इस पर क्लिक कर लिया तो आपको दिख रहा होगा लोगो मेकर, इसको आपको अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लेना। फ्रेंड्स, ये बहुत ही बढ़िया ऐप है, 1 मिलियन इसके डाउनलोड हैं और 3.6 की इसकी रेटिंग है। मैं इसको ऑलरेडी इंस्टॉल किया है तो मैं इसको डायरेक्टली ओपन कर लेता हूँ। फ्रेंड्स, मैंने इसको ओपन कर लिया है तो आपको इसके अंदर कुछ ऑप्शन दिख रहे होंगे। तो इसके अंदर यहाँ पर सेव्ड और शेयर्ड और डाउनलोड है। तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर पहले से क्रिएट लोगो हैं जिनको आप चाहें तो थोड़ा सा एडिट करके आप अपना लोगो तैयार कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसमें बहुत से जो लोगो हैं जो इस ऐप के अंदर ऑलरेडी हैं क्रिएट हुए हैं, आप चाहें तो इनको डाउनलोड कीजिए और इनको एडिट करके। ये हमने इनको ओपन कर लिया है और यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में आप इस लोगो को एडिट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे भी आप चाहें वैसे आप इसको एडिट कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो एक नया लोगो तैयार कर सकते हैं आपकी मर्जी के हिसाब से। तो हम इस प्लस पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमें एक लोगो बनाना है। तो सबसे पहले हमें लोगो बनाने के लिए अपना बैकग्राउंड चूज करना है। तो आपको यहाँ पर ऊपर की तरफ ये जो चौखाने दिख रहे हैं कुछ, इस पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बैकग्राउंड दिख रहा है, हमें इस पर क्लिक करना है। नहीं, ये हमें इस पर यहाँ क्लिक कर लेना है। तो हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं फ्रेंड्स, तो हमें यहाँ पर कलर का ऑप्शन आता है, तो हमें इसको कलर देना है। अगर आप चाहें तो इसको कलरफुल बैकग्राउंड भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसको बिल्कुल ब्लैंक भी ले सकते हैं, जिससे आपका लोगो जैसा आप चाहें वैसे डिजाइन कर सकते हैं और आपको बैकग्राउंड की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम इसको डन कर देते हैं तो हमारा जो बैकग्राउंड है वो बिल्कुल प्लेन आ गया है। इसके बाद में हमें इसमें लोगो बनाना शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको नीचे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, एक ऐड टेक्स्ट और एक ऐड, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपको यहाँ पर कुछ आइकन दिख जाएंगे, यहाँ पर आपको बहुत से आइकन मिल जाएंगे जिससे रिलेटेड आप अपना जो है टेक्स्ट वो लोगो बनाना चाहते हैं। तो हम यहाँ से वो लोगो ले सकते हैं। इसके बाद में हम शुरू में जो आपको ये दिख रहे हैं इस पर हम क्लिक कर लेते हैं और आप जैसे भी चाहें आपका गोल, आप लोगो जो है गोल बनाना चाहते हैं ट्राइंगल में या जिसमें भी आप बनाना चाहते हैं, आपको वो यहाँ से चूज करना है। जैसे आप चूज करेंगे तो आपका लोगो का यहाँ पर शो कर जाएगा। इसको बाद में आपको इसको थोड़ा बड़ा कर लेना है और इसको करने के बाद में आपको यहाँ पर ऊपर तीन निशान पर जाकर इसको यहाँ से लॉक कर देना है। लॉक करने से फ्रेंड्स ये फायदा होगा कि आप जब दूसरी कोई चीज के ऊपर डालेंगे तो यह अपनी जगह से सरकेगा नहीं। इसके बाद हम फिर इस पर क्लिक करते हैं और हम कुछ और ले लेते हैं। तो हम ये गोल वाला ले लेते हैं, तो हमें इसको भी थोड़ा बड़ा करना है।
हमने इसको थोड़ा बड़ा किया और हम इसको बीच सेंटर में कर देते हैं, और इसको भी हमें लॉक कर देना है ताकि ये मूव नहीं करे। इसको हमने लॉक कर दिया है। इसके बाद में हम फिर इस पर क्लिक करते हैं। आप इसके अंदर चाहें तो कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप डॉगी या भी कुछ भी आपके जिससे भी चीज़ से रिलेटेड आपकी साइट होगी तो आप वो आइकन यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो हम ये ले लेते हैं। तो देखिए हमारा ये भी आ चुका है, हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, आपको दिख रहा होगा ऊपर कलर ऑप्शन। ये देखिए हम इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। आप जैसा भी चाहें वैसा कलर रख सकते हैं। इसके बाद में आपको फिर इसको लॉक कर देना है जिससे ये मूव नहीं करेगा। इसके बाद में हम इसमें टेक्स्ट डाल देते हैं। तो हमें इसमें टेक्स्ट डालना है। यहाँ से आप इसमें जैसे भी डिजाइन का चाहें, आपको जैसा अच्छा लगे, आप इसमें कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। आप इस टेक्स्ट को बड़ा भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। फ्रेंड्स ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो और भी बहुत ही बढ़िया जो है बना सकते हैं। ये मैं आपको सिर्फ एक ट्राई के लिए बता रहा हूँ, इसलिए इतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन आप चाहें तो इससे बहुत ही बढ़िया बना सकते हैं और बहुत अच्छा सुंदर जो आप लोगो बना सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ से इसको सेव करना है। आपको नीचे कोने पर सेव का बटन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करके आपको इसको सेव कर लेना है। आप इसको नया नाम दे दीजिए। इसके बाद में आप इसको सेव करना चाहते हैं PNG में चाहते हैं या JPG में चाहते हैं, वो आप उसको आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद में इसको सेव करना है और ये आपका लोगो जो है वो तैयार हो चुका है और ये आपके इसमें सेव हो चुका है जाके। फ्रेंड्स आप इससे बढ़िया बढ़िया जो है लोगो बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, और अपने चैनल के लोगो लगा सकते हैं। फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो से जुड़ी कोई भी दिक्कत आपको आती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड बाय बाय।